हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपनी वीडियो अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आज आप अपने मौसमी के बगीचे में लेके आई हूँ। ये देखिए मेरे पीछे जो पेड़ हैं, ये सारे मौसमी के पेड़ हैं। और ये पूरा जितना भी एरिया है ऊपर से नीचे तक, इन सब में जो है वो मौसमी ही लगी हुई है। तो ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए हैं, बट ये ज़मीन हम लोगों की है। और इनमें मतलब खेती वगैरह नहीं होती थी, फसल वगैरह नहीं इतनी अच्छी होती थी, तो ये सरकार की तरफ से लगे हुए हैं ये वाले पेड़। तो बस इनको मेंटेनेंस करना, इनको जो भी खाद वगैरह रहे वो सब काम हमारा होता है। तो अभी इनकी जो फसल इनमें लगती तो है मौसमी, पर अभी ये इनको सेल नहीं करते हैं। अभी इनको बोला है जब 3 साल हो जाएंगे ना, तब 3 साल पूरे होने के बाद जो चौथी साल में इनकी फसल आएगी वो हमें सेल करनी है। तो अभी ये 3रा साल है, तो इसमें भी ये लास्ट फसल होगी। उसके बाद जो इसकी आगे वाली फसल होगी वो फिर हम सेल कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड मौसमी के बगीचे में, क्योंकि इनकी सफाई करनी पड़ती है। इनके बीच में बहुत सारी घास उग जाती है तो उसको क्लियर करना पड़ता है। और यहाँ पर रास्ते इतने ख़राब हैं, बारिश रोज़ हो रही है सुबह शाम, तो रास्ते इतने ख़राब हैं, गिरते संभलते पहुँची हूँ मैं यहाँ तक। तो ये देखिए किसी किसी खेत में बहुत अच्छे पौधे हैं, किसी किसी में बहुत कम हैं, क्योंकि इनमें घास वगैरह है ना। तो जो अच्छे से साफ़ सफाई रखते हैं अपने खेत की, तो वो खेत बहुत अच्छे से हैं उनमें पेड़। और जिनमें अच्छी नहीं मतलब सफाई, देखिए किस वाले खेत में सफाई नहीं है, तो ये देखिए इतने फैले हुए नहीं हैं पेड़। तो चलिए मैं दिखाऊंगी आपको अपने खेत भी। और हमारे खेत भी बहुत दूर हैं, हमें कम से कम आधा पौना घंटा तो जाने में, आधा पौना घंटा आने में लग जाएगा, उसके बाद हम अपने खेत में पहुँच जाएंगे। तो ये दिखाऊंगी तो पेड़ कितने अच्छे हैं। तो चलिए मैं दिखाऊंगी अभी आपको भी बगीचे मेरे साथ। और ये देखिए इन पौधों के बीच में ये प्लास्टिक बीज बिछाया जाता है। इसको बिछाने से जो है वो फिर इनके जो है वो खरपतवार जो भी घास वगैरह है वो नहीं होती है। और ये देखिए बहुत अच्छे पेड़ हैं ये वाले भी। और ये जा रहे हैं मेरे हस्बैंड आगे, और मैंने देखिए ना मैंने पैर में क्या पहने ये प्लास्टिक के जूते, क्योंकि एक तो पानी है बहुत ज़्यादा और डर भी होता है कीड़े मकोड़ों सांप वगैरह का, तो इसलिए मैंने ये वाले शूज़ पहने हैं। मेरे हस्बैंड भी, ये देखिए मौसम में कितनी अच्छी है। पर जब ये पकती है ना बहुत मीठी होती है, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे 5 खेतों में लगी हुई है मौसमी। कितने पेड़ यहाँ सर टोटल? और हमारे 81 पेड़ हैं टोटल मौसमी के। तो अगर उनमें अच्छी आ गई मौसमी, जब सेल करने का टाइम आएगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये देखिए इन वाले पेड़ों में इतनी ज़्यादा मौसमी लगी हुई है, जितने ज़्यादा पत्ते हैं उतने ज़्यादा मौसमी लगी हुई है। ये हमारे गांव के लोग हैं, उनके ही पेड़ हैं। और ये देखिए आगे वाला पेड़। तो आज आपको पूरे ब्लॉग में मौसमी ही देखने को मिलेगी। और इनको देख के ना मन बहुत खुश होता है कि हाँ देखिए कितना अच्छा है ये काम भी, बिजनेस भी। ये देखिए छोटी छोटी मौसमी, ये देखिए। और अभी आने वाला है हमारा खेत, ये है सारा खेत। और बीच में देखिए पानी इतना ज़्यादा है ना, ये देखिए। और देखिए ये है हमारा खेत, पर इसके पेड़ बहुत छोटे छोटे हैं और सिर्फ एक ही मौसमी लगी हुई है इसमें, क्योंकि इसमें ना इस वाले खेत में पानी बहुत ज़्यादा है। और बोलते हैं जहाँ पे पानी रहेगा ना तो वहाँ पे ये पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, ना इनमें अच्छे से फ्रूट आएंगे। और सब में एक ही मौसमी लगी हुई है और इस वाले में तो एक भी नहीं है। तो ये वाला खेत तो हमारा ऐसे ही हो गया। एक्चुअली ये खेत वैसे है भी बहुत दूर ना, तो हम यहाँ पे मतलब बहुत मुश्किल से ही आ पाते हैं। और आजकल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, देखिए पानी भी है बीच बीच में बहुत ज़्यादा। रुकी जावा पड़बाएगा आई। और ये है हमारा दूसरा खेत, और इसके पौधे जो हैं पेड़ जो हैं मौसमी के बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े भी हैं। और ये देखिए,
और इनमें नए नए पत्ते भी आ रहे हैं आगे से, इनकी कटिंग भी कर देते हैं तो ये दोबारा से आ जाते हैं इसके पत्ते, ये वाला। और एक खेत ये है हमारा नीचे, ये वाला। अभी हमने ये दोनों खेत साफ करने हैं, और बहुत ज़्यादा ये देखो इस साइड को पापजी ने कर दिया है क्लियर, ये हमने आगे को करना है साफ। तो बस यही है आज हमारा काम, इसको साफ करने का, दोनों खेत। और ये कर रहे हैं मेरे हस्बैंड काम, और यहाँ से लेकर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक ये पहुँच गए हैं, और मैं कर रही थी वहाँ पीछे कोने से काम स्टार्ट वहाँ से, और मैं यहाँ से करते 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 यहाँ पहुँच गई हूँ। और एक खेत हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है, पर मौसम जो है वो ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है बारिश लग जाएगी, अगर बारिश लग गई तो हमारा काम तो अधूरा ही रह जाएगा। और ऐसे हमने सोचा था कि हम ये दोनों खेत कंप्लीट करके चले जाएंगे, पर क्या करें अब, चलो देखते हैं जितना कर होगा उतना कर लेंगे। तो जब खेत ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो अब हम जा रहे हैं घर, काम हो चुका है हमारा ख़त्म, और अभी बहुत जोर और धूप भी लग चुकी है, पसीने की वजह से मेरी बिंदी भी उतर गई बिंदी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा आए लगेगा, पसंद आएगा, और अगर पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी, और अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।